गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 धर्म का नया टॉपिक धर्म और राजनीति स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को धर्म और नैतिकता के बारे में जानकारी दी थी, साथ ही साथ धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखिए, हमारा जो टॉपिक है धर्म और राजनीति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होने के कारण से बोर्ड में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, धर्म और राजनीति जो हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, और कई बार आप देखेंगे कि राजनीति में धर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो भी नकारात्मक रूप में किया जाता है। मतलब राजनीति के अंदर धर्म को एक साधन के रूप में अपनाने की कोशिश कई बार की जाती है। बर्ट्रेड रसेल और फॉस्टर जैसे जो शांतिवादी विचारक हैं, उन्होंने इसी आधार पर बहुत बार धर्म की आलोचना भी की है कि धर्म के नाम पर अगर हम राजनीति करते हैं तो इससे हमेशा विश्व में खून खराबा ही हुआ है, और ये अभी तक जारी है। ये नहीं कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप देखते हो राजनीति में जब जब धर्म का प्रयोग किया गया है या धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई है, तब तब हमेशा हमें खून खराबे को फेस करना पड़ा है। प्रारंभ में धर्म का जो उद्देश्य हुआ करता था वो एक सुव्यवस्था कायम करना होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, शासक जो थे वो धर्म विशेष को उन्होंने अपना राजधर्म बना लिया और राजधर्म घोषित किया, और अपने जो अनुयायी थे उनकी संख्या जो थी उसमें बढ़ोतरी करने के नाम पर उन्होंने धर्म के नाम पर अनेक युद्धों को छेड़ा। मतलब केवल अपने धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हो सके, इसलिए धर्म के नाम पर अनेक युद्ध हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, आप देख चुके हो बहुत बार कि धर्म के नाम पर अनेक युद्ध जो हैं वो किए गए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित मुद्दों पर रोक लगने लगी थी, लेकिन अगर आप हम अभी भी देखें तो हम लोग अपने धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। धर्म की आड़ में अनेक आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उनका संचालन करते हैं। आपको पता है कि वर्तमान में भी धर्म के नाम पर अनेक आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, और जिन सिद्धांतों का आधार जाति तथा धर्म है वो विश्व शांति के लिए सदैव ही खतरा रहता है। अगर आप धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा विश्व शांति के लिए खतरा ही उत्पन्न करता है। 21वीं शताब्दी में भी बहुत सारे वर्ग ऐसे पैदा हुए थे जो कि धार्मिक कट्टरवाद से ग्रस्त थे। धार्मिक कट्टरवाद मतलब अपने धर्म को उन्होंने श्रेष्ठ माना और दूसरे धर्म को हीन बताने के लिए हर संभव प्रयास किए। मतलब वो अपने धर्म के प्रति बहुत अधिक कट्टर थे, अपने धर्म की मान्यताओं परंपराओं को बहुत अधिक मानने वाले। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि धार्मिक सहिष्णुता की भावना के थे। धार्मिक सहिष्णुता जो कि ये मानती है कि किसी विशेष धर्म के साथ में कोई विशेष व्यवहार नहीं होना चाहिए, सभी धर्म जो हैं वो समान हैं, सर्वधर्म संभाव की भावना रखने वाले भी कुछ लोग आए और उन्होंने इस कट्टरवाद का विरोध किया। वर्तमान में आप अगर आप देखेंगे तो जो शासक वर्ग है या जो धर्माधीश हैं उन्होंने भी क्या किया है, राजनीति और धर्म का प्रयोग अपने स्वार्थों के लिए किया है, ठीक है। और इसी से क्या हुआ है मनुष्य में, वैमनस्य की भावना या आडंबर या स्वार्थ की प्रवृत्ति जो है वो प्रबल हुई है, ठीक है। अब देखो, जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने क्या कहा कि आडंबर आच्छंदित व हट धर्मिता पूर्ण धर्म मनुष्य को विभाजित करता है। मतलब ऐसा धर्म जो कि आडंबरों से भरा हुआ है, और हट धर्मिता मतलब केवल अपने ही धर्म के मान्यताओं और परंपराओं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उन पर अड़ा हुआ है,
वो धर्म हमेशा ही मनुष्य को विभाजित करता है, जबकि अगर अनुभव से विकसित हुआ हुआ धर्म है तो वो हमेशा मनुष्य को जोड़ने का कार्य करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वो सच में जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे के जैसे ही हैं। मतलब यदि हम केवल खुद के बारे में सोचते हैं, केवल खुद के विषय में देखते हैं, तो आप क्या है, खुद के लिए अगर जी रहे हो तो आपका जीवन मरे के समान है। अगर आप दूसरों के लिए जीते हो तो ही वो जीवन है, ठीक है। तो उनके अनुसार व्यक्ति और समाज में जो है परस्पर अनुकूलता होनी चाहिए और मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो अपनाना चाहिए। जब धर्म में एकात्मकता होगी, मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, तो समाज में अनुकूलता अपने आप ही बनी रहेगी, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द थे। फिर राम मनोहर लोहिया जो है उन्होंने क्या कहा है, धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं परंतु दोनों की जड़ें एक ही हैं। धर्म का कार्य भी भलाई करना है और राजनीति का बुराई से लड़ना, मतलब दोनों का उद्देश्य क्या है, सेम ही है। धर्म जो है उसका काम दूसरों की भलाई करना होता है और राजनीति का बुराइयों से लड़ना और उसकी निंदा करना। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म और राजनीति दोनों का ही प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। अगर अविवेकपूर्ण प्रयोग किया जाएगा तो दोनों ही जो हैं वो भ्रष्ट कर सकते हैं, धर्म भी और राजनीति भी। इसीलिए इन दोनों का प्रयोग विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है धर्म और अहिंसा। देखो धर्म और अहिंसा जो है वो भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों में किस बात पर बल दिया जाता है, क्षमा पर, दया पर, करुणा, सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। इन सभी तत्वों को प्रत्येक देश के धर्म में स्वीकार किया गया है। देखो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप हिंसक व्यवहार करो या दया की भावना नहीं रखो या करुणा नहीं रखो या झूठ बोलो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है। हर धर्म जो है वो क्षमा, दया, करुणा, सत्य आदि बातों पर बल देता है। यदि ये मूल्य नहीं होंगे तो धर्म का गठन संभव नहीं हो सकता है। और ये जो नियम है, इन्हीं नियम को गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे, गोल्डन रूल या एथिक्स ऑफ रेस्पिरेस्ट्री कहा गया है इसको। रेसिपी ये जो गोल्डन रूल्स हैं इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिन नियमों का वर्तमान में पालन किया जा रहा है उनको क्या कहा जाता है। तो ये गोल्डन रूल्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत में प्राचीन काल से ही इन गोल्डन रूल्स को मान्यता प्राप्त है और सनातन धर्म में इसको कहा गया है धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।